हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट डेट पर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आरआरबी भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आ चुकी है। आपको बता दिया जाए, सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आपका 15 सितंबर 2021 को जारी हो जाएगा और ये अपडेट हम आपको लाइव बताने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर जाके जितने भी हमारे रेलवे एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण होगी। आप लोग अपना अपना जो भी डिटेल आई उसको देखकर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें उन सभी छात्रों के पास जिन्होंने सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम दे दिया है, ताकि उनके पास भी अपडेटें पहुँच सकें। 15 से 20 अंक तक बढ़ेंगे इन शिफ्टों में और सीबीटी टू का जो शेड्यूल है यानी कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे कब ख़त्म होंगे, तो ये शेड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तैयारी के लिए, तो इसको भी आप लोग देखें। और एनटीपीसी एग्ज़ाम पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेटें आ रही हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पूरी अपडेट बताते हैं आपको। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे से अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए आप सभी के रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट पर तो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी हमारे द्वारा पहुँचाई जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेट रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2021 पर। दोस्तों वीडियो में ठीक आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक कि हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आपको बता दें, फ्री तैयारी के लिए रेलवे एनटीपीसी की सीबीटी टू की फ्री तैयारी के लिए, फ्री मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी जॉब विद अभय। 10,500 ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको स्टैटिक, जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के एमसीक्यू में बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सभी को करवाए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक, जीके, जीएस के, करंट अफेयर्स के, इसका भी लाभ लीजिए। और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सभी नोट्स ए टू जेड ट्रिक्स के साथ मिल जाएंगे, तो आप लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम पर पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जा चुका है। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, आपकी सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम डेट पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी तक सबसे लेटेस्ट सूचना ही पहुंचाई जाती है। देख सकते हैं ट्यूसडे की 7 सितंबर की अपडेट है, रात्रि की अपडेट है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पर है। लेकिन यहाँ पे जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट कब तक जारी होगा इस पर सूचना दे दी है। आपको बता दें, रेलवे भर्ती जो आपका मिली सूचना के मुताबिक भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम आयोजित कराने की जो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, लेकिन माना जा रहा है बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा का रिजल्ट जो है 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें 15 सितंबर तक आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा। हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पूरा जो कंटेंट है आपको सॉलिड मिल सके। जैसा कि आपको पता है, आप सभी तक सबसे लेटेस्ट अपडेट पहुँचाई जाती है, तो भैया आप सभी का जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर 2021 तक की ऑफिशियल साइट्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किन शिफ्टों में 15 से 20 अंक तक बढ़ेंगे और इसके बाद आप सभी के सीबीटी 2 का जो शेड्यूल है, ठीक है, सीबीटी 2 का शेड्यूल है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम पर जो बड़े फैसले लिए गए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अंत तक बने रहें। आपको जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल सही जानकारी आप सभी तक पहुँचाई जाती है, तो 15 सितंबर तो आपके रिजल्ट की डेट लगभग तय हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी के। और दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी सारे छात्र ये भी कमेंट करते हैं, सर आपने कहा था 30 से 40 पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर आप लोग बढ़ा भी रहे हैं, यानी कि क्या 5 से 10 नंबर पे क्या सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी कई सारे छात्र सोचते हैं। ठीक है, 5 से 10 या आपके 15 नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, फिर नॉर्मलाइज मार्क 15 से 20 बढ़ के अपना 30 से 40 हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट भी तीन प्रकार के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स ऑफ कैंडिडेट हैं। पहला, जिनका जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, उनको ही नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जो है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 15 से 20 के बीच में मिल सकता है। लेकिन जिनका है जो मीडियम शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, जिनका ईजी शिफ्ट में पेपर हुआ है, उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं पड़ने वाले, उनके 5 से 10 के बीच में और 10 से 15 के बीच में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। ठीक है, ये है प्रोसेस अंकों का वितरण का, कितने अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे एनटीपीसी के छात्रों को। ठीक है, हार्ड में, मीडियम में, ईजी में। ठीक है, हार्ड की बात कर लें तो 15 to 20, मीडियम में 10 to 15, ईजी में 5 to 10, इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। बात रही कि 30 से 40 के बीच में जो है आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो क्या आपके सिलेक्शन हो सकता है सीबीटी फर्स्ट में, तो हमने जैसा कि पहले बताया कि 30 से 40 के बीच में बिल्कुल हो सकता है सिलेक्शन। जितने भी हमारे मालडा जोन से कैंडिडेट हैं,
उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनका जो जनरल का कट ऑफ है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 से 40 के बीच में, ठीक है, जनरल वालों का कट ऑफ। और आपके अगर 30 से 40 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप लोग आराम से जो है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। CBT 2 की तैयारी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट भी आते हैं CBT 2 होगा कब, उसको आगे बढ़ाने से पहले आपको CBT 2 की एग्ज़ाम डेट बताने से पहले आपको बता दें, बैंगलोर जोन का काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट आ चुके हैं, काफ़ी सारा डाटा भी हमारे पास इकट्ठा हो गया था, क्योंकि डाटा जब 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 भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तब भी छात्रों के कमेंट आते हैं और डाटा हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक दो नंबरों का या 3-4 नंबरों का जो फ़र्क है वो देखने को मिलता है, ठीक है, हर बार। और हमने जैसा कि बताया कि बैंगलोर जोन का जो कट ऑफ है इस बार भले ही जो अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, बैंगलोर हो गया, इन सभी जोनों का जो कट ऑफ है हाई रहता है, लेकिन इस बार बैंगलोर जोन का कट ऑफ लो जाने के कई सारे कारण थे, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, हमने देख ही लिया था नोटिफिकेशन में, साथ ही साथ यहाँ पे आपका कैंडिडेटों की संख्या कम थी, ठीक है, कोविड के कारण अटेंडेंस यहाँ पे कम रही है, बैंगलोर जोन के जितने भी छात्र हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है कम जाने की उम्मीद की जा रही है, वो काफ़ी सारे कमेंट भी आ चुके थे कि बैंगलोर जोन से सर फॉर्म भरा है कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ड्रीम होता है छात्रों का बैंगलोर जोन में सिलेक्शन लेने का, काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है। तो जनरल के, OBC के, SC के और ST के हमारे जितने भी छात्र हैं, आपको अगर इतने अंक मिल रहे हैं ना तो आप लोग आराम से अपना सेफ स्कोर आप लोग अचीव कर रहे हैं और आराम से अपना CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल की बात कर लें तो 50 से लेकर 60 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप लोग जो है सेफ जोन में आते हैं, आप लोग जो है CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं। OBC की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 54 प्लस तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। SC की बात कर लें तो 50 प्लस तक, 47 प्लस तक, ठीक है, इतना एक जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है हमारे जितने भी जनरल के, OBC के, SC और ST के छात्र हैं, अगर CBT 1 क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो उनको सीधा CBT 2 की तैयारी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। ये बात रही आपके CBT 2 के कट ऑफ पर, CBT 1 के कट ऑफ पर, CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों के जनरल 55 से 60 के बीच में है तो भी आप लोग सेफ जोन में आते हैं, CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं। CBT और साथ ही साथ OBC में 54 प्लस तक आ रहे हैं तब भी आप लोग CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं। SC में 50 प्लस तक आ रहे हैं तब भी आप CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ST में 47 आ रहे हैं तब भी आप लोग CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे रही हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर CBT 2 होगा कब, ठीक है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका दूसरा होना ये कब होगा, ठीक है, कब होगा, व्हेन इट विल बी है, ठीक है। हेलो, तो आपको बता दें यहाँ पे आप सभी जो एग्ज़ाम है CBT 2 का ये नवंबर 2021 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, नवंबर 2021 में आपका जो है एग्ज़ाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नवंबर 2021 तक की आप लोगों को अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो आप लोग इसका लाभ लीजिए। नवंबर 2021 तक की आप लोगों को इतनी अच्छी सॉलिड तैयारी बना लेनी है, और क्योंकि CBT 2 ही आपकी सिलेक्शन का एक समझिए कि मेन पॉइंट होगा तो आप लोग उसको अच्छे से तैयारी करें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल कराया जा चुका है।